और चेयरमैन नैब उनकी गुलामी कर रहे हैं, और वो मैं आपको बताऊंगी किस तरह। ये आज प्रेस रिलीज 25 सितंबर 2021 को कौमी एहतसाब ब्यूरो ने जारी की। इस प्रेस रिलीज के अंदर, प्रेस रिलीज 21 सितंबर 2021 को जारी की, नैब लाहौर की तरफ से जारी हुई, और इसके ऊपर बड़ा बड़ा कौमी एहतसाब ब्यूरो लाहौर लिखा हुआ है। असल में ये वज़ीरे आज़म हाउस इस्लामाबाद की प्रेस रिलीज है, जो इमरान ख़ान साहब के हुक्म के ऊपर कौमी एहतसाब ब्यूरो नैब न्याजी गठजोड़ ने जारी की है। इसके अंदर लिखा है कि गुज़श्ता 4 सालों के दौरान 538 अरब रुपए की रिकवरी की गई है, जिसकी मिसाल नहीं मिलती। तो सबसे पहले तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का ये मुतालबा है कि 538 अरब रुपए की जो रिकवरी हुई है उसको पब्लिक किया जाए, पाकिस्तान की आवाम को बताया जाए, और उस रिकवरी के ऊपर नैब के कितने पैसे खर्च हुए हैं, नैब के फ्रंटमैन, एजेंट्स और टाउट्स जो कि इस वक्त वज़ीर आज़म हाउस में बर्जमान हैं, उन्होंने इसमें से कितने पैसे खाए हैं, इन 538 अरब रुपए की तफसील पाकिस्तान की आवाम के सामने है। ये इस कौमी एहतसाब ब्यूरो नैब न्याजी गठजोड़ की प्रेस रिलीज की 4 लाइनों का पहला हिस्सा है। जो असल मकसद था इस प्रेस रिलीज को इशू करने का, इमरान खान साहब के सियासी एजेंडे, मनफी प्रोपोगेंडा, बेबुनियाद इल्ज़ामात की जो एक तसलसल है नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ख़िलाफ़, वो असल मकसद है इस प्रेस रिलीज़ का। इस प्रेस रिलीज़ का असल मकसद, ये प्रेस रिलीज़ नहीं है कौमी एहतसाब ब्यूरो की, इस प्रेस रिलीज़ का असल मकसद चेयरमैन नैब की एक्सटेंशन की दरख्वास्त है। ये प्रेस रिलीज़ जो आज जारी की गई है, मैं दोबारा कहना चाहती हूँ कि ये प्रेस रिलीज़ नहीं, ये चेयरमैन नैब की एक्सटेंशन की दरख्वास्त है। और वो इसलिए कि इस प्रेस रिलीज़ का जो 80% हिस्सा है, जो नवाज़ शरीफ है, जो इमरान ख़ान का सियासी एजेंडा है, जो झूठे बेबुनियाद इल्ज़ामात और एहतसाब, सियासी इंतकाम एहतसाब के नाम के ऊपर जो प्रोपोगेंडा किया जाता है, 35 साल से ज़ायद अरसा नवाज शरीफ को सियासत में हो गया। एक दफ़ा पंजाब के वज़ीर आला, 3 दफ़ा इस मुल्क के वज़ीर आज़म मुंतखब, सिलेक्टेड नहीं, उसके खिलाफ एक धेले की करप्शन का इल्ज़ाम तक नहीं लगा सके, जिसने इनकी तरह सिर्फ पैसे नहीं खाए, डाके नहीं डाले आवाम की जेबों पे, आवाम का आटा, रोटी, चीनी, दवाई, गैस, बिजली जो इन्होंने चोरी किया आवाम की जेबों पर डाके डालकर, उसने इस मुल्क को एटमी कुव्वत बनाया, उसने इस मुल्क में मोटरवेज बनाई, उसने इस मुल्क पे शाहराएं बनाई, उसने इस मुल्क में हस्पताल बनाए, स्कूल बनाए, 14,000 मेगावाट बिजली पैदा करके 3 साल में मिसाल कायम की, उसके खिलाफ एक भेले की करप्शन का इल्ज़ाम तक नहीं लगा सके, और उस पर प्रेस रिलीज जारी करते हैं कि उनको नैब अदालत के फैसले के मुताबिक, वो फैसला जो जजों को उनकी वीडियोस दिखा के ब्लैकमेल करके दिलवाया गया, वो फैसला जो सरीना के लिफाफों में जजों को भेजकर सुनाया गया, उस फैसले पर अमल दरामद करने के लिए नवाज शरीफ की जायदाद की रिकवरी की जा रही है। सबसे पहले वो केस जो आज भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सब जुडिस है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला फाइनलिटी अटेन नहीं कर चुका, उसके ऊपर ये नैब चेयरमैन की एक्सटेंशन की दरख्वास्त आई है, जो नैब न्याजी गठजोड़ की गुलामी कर रहे हैं।
ये दरख्वास्त का मकसद ही चेयरमैन नैब की एक्सटेंशन है। नैब की ये कलाबाजियां, नैब की ये प्रेस रिलीजें 450 अरब आटे की चोरी पे क्यों नहीं आती? नैब की आंखों पर पट्टी और चेयरमैन साहब अंधे हो जाते हैं जब 800 अरब की चीनी चोरी नजर नहीं आती, जब बनी गाला का जमान पाक जो करोड़ों रुपए खर्च करके, जिसके पास जेब में ढेला नहीं है, वो करोड़ों रुपए खर्च करके जमान पाक की तामीर करवाता है, वो बनी गाला में अपने महल को, गैर कानूनी महल को कानूनी कराता है। कहां से आए थे पैसे, आज तक जवाब नहीं हुआ। साकिब निसार साहब ने अपनी कुर्सी का इस्तेमाल करते हुए इनको क्लीन चिट दी, और वो भी खुली खुलेगी इंशाल्लाह एक दिन। चेयरमैन नैब की आंखों के ऊपर पट्टी बन जाती है जब 400 अरब की एलएनजी चोरी नजर नहीं आती, हेलीकॉप्टर केस नजर नहीं आता, बिलियन ट्री सुनामी नजर नहीं आता, बीआरटी पेशावर के 122 अरब के खड्डे नजर नहीं आते, रिंग रोड नजर नहीं आता, और तोशा खाना रेफरेंस दायर होता है नवाज शरीफ पे। कल इमरान साहब कहते हैं कि मैं कुछ डिक्लेयर नहीं करूंगा जो मुझे तोहफे मिले हैं, क्योंकि वो तोहफे खा चुके हैं। नैब की कलाबाजियां उस वक्त नहीं होती क्योंकि ये एक्सटेंशन की दरख्वास्त हमें ब्लैकमेल करके नहीं दी जा सकती, और उस वक्त आज मुल्क के अंदर नैब चेयरमैन की आंखों के ऊपर पट्टी बंदी होती है। आज मुल्क के अंदर एफआईआर हो, आज मुल्क के अंदर जायदाद का इंतकाल हो, आज मुल्क के अंदर तबादले हो सरकारी, आज मुल्क के अंदर वजीरों की कुर्सियां हो, आज मुल्क के अंदर हस्पताल की पर्ची हो, आज मुल्क के अंदर बच्चों का दाखला हो, सब बिकाऊ माल बन चुका है। वो नैब चेयरमैन को नजर नहीं आता, नैब चेयरमैन को नजर वो आता है फैसला, ये गैर कानूनी प्रेस रिलीज है। लेकिन ये प्रेस रिलीज चेयरमैन नैब की एक्सटेंशन की दरख्वास्त है, और उसके बाद वो चोरी, वो डाका जो मुल्क में 3 साल से डर रहा है, जिसमें तारीख में मिसाल नहीं मिलती। सबसे पहले ये जो 538 अरब है उसकी दरख्वास्त पब्लिक की जाए, दूसरा जो ब्रॉडशीट है जिसमें इमरान खान साहब ने नैब को अपना एजेंट बनाया, फ्रंटमैन बनाया और टाउट बनाया, जिसमें हिस्सेदार कागज लहरा के शहबाज शरीफ के खिलाफ शहजाद अकबर साहब प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते थे, वो सब हिस्सेदार वो वजीर आजम हाउस में बैठे हैं, जिसमें 25 करोड़ रुपया अदायगी की गई, जिसमें 9 अरब की अदायगी की गई, जिसके अंदर 30 करोड़ की फीस की, लीगल फीस की अभी भी मकरूज है 2001 से लेकर आज तक, वो तमाम रिकॉर्ड पब्लिक किया जाए, ब्रॉडशीट का सब रिकॉर्ड पब्लिक किया जाए, और इसी तरह की एहतसाब ब्यूरो पाकिस्तान की प्रेस रिलीज जारी की जाए, प्रेस रिलीज जारी की जाए 850 अरब की चीनी चोरी की, प्रेस रिलीज जारी की जाए 400 अरब के आटे चोरी की, प्रेस रिलीज इशू की जाए बिलियन ट्री सुनामी की, हेलीकॉप्टर केस की, 23 फॉरेन फंडिंग अकाउंट्स की, 600 अरब की एलएनजी की, करोड़ों रुपए की जमान पाक की तामीर की, बनी गाला के गैर कानूनी महल की, तोशा खाना का रेफरेंस दायर किया जाए जिसको डिक्लेयर करने से इनकार किया गया है, 122 अरब के पेशावर मेट्रो की, और उसके बाद ये गुलामी की जाए। नवाज शरीफ 3 दफा का मुंतखब वजीर आजम है पाकिस्तान का, जिसने पाकिस्तान की आवाम को सस्ता आटा, सस्ती चीनी, रोजगार, सीपेक, बिजली, गैस चोरी करते हैं, उसके बाद वजीर का तबादला करते हैं, चोरी करते हैं उसके बाद वजीर को फारिग करते हैं, चोरी कराता है इमरान खान और उसके बाद वजीर को इस्तीफा दिलाते हैं। ये तमाशा, कभी ईवीएम का तमाशा, कभी पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी का तमाशा, क्योंकि असल तमाशा इन चोरियों को रोकने और इन चोरियों को छुपाने के लिए हो रहा है। ये तमाशा
इंशाल्लाह पाकिस्तान की आवाम इन लोगों की गिरेबान होंगे, इन लोगों के हाथ होंगे जहां हथकड़ियां लगेंगी, जिन्होंने आवाम के पास से रोटी छीन ली, दवाई छीन ली, आटा छीन लिया, बिजली गैस के बिलों के पैसे देने के लिए आवाम के पास पैसे नहीं, और कहते हैं ओवर बिलिंग हो गई, एडवांस टैक्स लगा देते हैं, ऑर्डिनेंस जारी करते हैं, इनको शर्म नहीं आती। और फिर किस मुंह से आप ये प्रेस रिलीज जारी करते हैं, ये दरख्वास्त देते हैं कि मेरी एक्सटेंशन की जाए, ईवीएम के ऊपर, इलेक्शन कमीशन के ऊपर हमला करते हैं, आईन के ऊपर हमला करते हैं। पॉलिटिकल कंसेंसस के साथ इलेक्टोरल रिफॉर्म होता है, धमकी गुंडागर्दी और दहशतगर्दी के साथ पॉलिटिकल रिफॉर्म नहीं होता, क्योंकि मकसद धांधली है, मकसद पॉलिटिकल कंसेंसस और इलेक्टोरल रिफॉर्म नहीं है। 2017 में इलेक्टोरल रिफॉर्म हुआ था, ये सब काले कानून, ये सब आवाम की जेबों के ऊपर डाके, और ये सब नैब न्याजी गठजोड़ की जो मिली भगत है, ये वो करने के लिए इश्यूज रेज किए जाते हैं। और अब ये तमाशा नहीं चलेगा। आपको किसने हक दिया है, नैब को किस कानून के तहत ये हक है कि वो इस तरह के मीडिया ट्रायल्स के लिए प्रेस रिलीजेज इशू करे? कानून में किस जगह के ऊपर लिखा हुआ है कि जो फैसला अभी फाइनलिटी अटेन नहीं करता, जो फैसले जजों की वीडियोस दिखाकर कराए जाते हैं, जो सरीना के लफाफों में लाए जाते हैं, वो फैसले के ऊपर आप प्रेस रिलीजेज इशू करें? ये किसी कानून में गुंजाइश नहीं है, ये सिर्फ मीडिया ट्रायल के लिए होता है, और मीडिया ट्रायल का भी मकसद फेल, जीरो मकसद है। क्योंकि आज ये मालूम है पाकिस्तान की आवाम को, आपने उनको भेड़ और बकरियां समझा हुआ है आवाम को, आवाम सब जानती है, आवाम सब समझती है कि असल में इलेक्शन चोर, आटा चोर, बिजली चोर, दवाई चोर, एलएनजी चोर, गैस बिजली चोर मुल्क के ऊपर मुसल्लत है, और इमरान साहब के हुक्म के ऊपर ये तमाम एटीएम माफिया, बिजली गैस माफिया, आटा चीनी माफिया चोरी करता है, डाके डालता है। और दिन थोड़े हैं, इंशाल्लाह दिन थोड़े हैं इन लोगों के, क्योंकि पाकिस्तान की आवाम सब जान चुकी है। और एक दफ़ा फिर मैं नैब चेयरमैन को कहना चाहती हूँ, अगर किसी किस्म की शर्म बाकी है, क्योंकि जिस किस्म का सियासी इंतकाम नैब के कानून को इस्तेमाल करके, इमरान खान की गुलामी कर कर नैब के इदारे को इमरान खान के हुक्म के ऊपर मुतनाज़ा बनाकर, एहतसाब को मुतनाज़ा बनाकर, पाकिस्तान की तारीख में अगर कोई एहतसाब के आगे पेश हुआ है, तो खुद खत लिखकर सुप्रीम कोर्ट को उस केस में, जहां उसका नाम नहीं था, उसका नाम नवाज शरीफ है, अपनी बेटी मरियम नवाज का हाथ पकड़ के, जो कोई पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं थी, एहतसाब के सामने पेश हुआ, क्योंकि उसको यकीन था कि एक धेले की करप्शन अगर साबित हुई तो उसने खुद पेश किया आवाम के सामने अपने आप को। और यहाँ रोज़ आटा चोरी करते हैं, रोज़ चीनी चोरी करते हैं, आवाम की जेबों पर डाके डालते हैं, और नैब चेयरमैन और नैब उस वक़्त इमरान साहब के हुक्म के ऊपर अपनी आँखों के ऊपर पट्टी बांध लेता है। और आखिर में ये प्रेस रिलीज, ये तमाशे बंद होने चाहिए। कोर्ट्स मौजूद हैं जहां शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ के केसों से पिछले दरवाजे से नैब भाग जाती है, सबूत पेश नहीं कर सकती। हाई कोर्ट के फैसले मौजूद हैं, नवाज शरीफ हो, शहबाज शरीफ हो, हमजा शहबाज, मरियम नवाज, मुस्लिम लीग पूरी के ऊपर इन्होंने केसेस बनाए, और हाई कोर्ट्स ने और सुप्रीम कोर्ट ने उनको सुर्खरू किया। वो केसेस पढ़ें, पाकिस्तान की आवाम वो तमाम फैसले जान चुकी है, और इन तमाम हरकतों से बाज आए। बहुत शुक्रिया। कोई सवाल? तो क्या अपोजिशन अब क्या स्ट्रेटजी अपनाएगी इस पर? लड़ाई आए रोज हफ्ते में ऊपर जा रही है, इस पे क्या कर रही है अपोजिशन? देखिए, महंगाई हर हफ्ते नहीं, तीन साल से महंगाई हर रोज बढ़ रही है। पाकिस्तान के ऊपर 18,000 अरब का कर्जा हर दिन बढ़ रहा है। पाकिस्तान की अंदर आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई की कीमत, तेल, अंडे की कीमत हर रोज़ की बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक बढ़ रही है। और उन चीज़ों से नज़र हटाने के लिए, जैसे मैंने पहले कहा।